क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष की यात्रा पर जाता है तो एक लंबे समय के बाद उसके साथ क्या क्या परिवर्तन उसके शरीर में दिखाई देते होंगे। एक नई स्टडी में इसी चीज़ का खुलासा किया गया है जो कि रशियन स्पेस एजेंसी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बीच में किया गया था। इस स्टडी में पाया गया है कि जब कोई अंतरिक्ष यात्री स्पेस यात्रा करता है तो एक लंबे समय तक स्पेस में रहने के बावजूद उसके शरीर में और ख़ास तौर पर उसके दिमाग पे इसका गहरा असर पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि रिसर्च में पाया गया है कि उसके जो दिमाग होते हैं उसमें काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं जो कि पृथ्वी पर रहने वाले किसी भी इंसान से थोड़े अलग हो सकते हैं। इस स्टडी में पाया गया कि जो कॉस्मोनॉट के अंतरिक्ष यात्री थे उनके साथ ये घटना घटी। पृथ्वी पर वापस लौटने के कुछ महीनों तक भी उनके शरीर में इस तरह के चेंजेस पाए जा रहे थे क्योंकि जो उनकी दिमागी स्थिति थी और दिमाग की जो बनावट थी उसमें भी काफ़ी सारे अंतर पाए जा रहे थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे दिमाग में जो कुछ तरल पदार्थ पाए जाते हैं यानी लिक्विड फ्लूइड और हमारे दिमाग की जो बनावट होती है इसमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कहने का मतलब ये है कि जो फ्लूइड होते हैं वह अपनी जगह से घसक जाने की वजह से हमारे दिमाग की जो संरचना होती है और ढांचा होता है उसमें भी काफ़ी हद तक परिवर्तन देखने को मिलता है। और ये सारे परिवर्तन बस इसलिए होते हैं कि जो तरल पदार्थ होता है जब वो अपनी जगह से किसी और जगह शिफ्ट हो जाता है तो दिमाग भी उसी के आकार में अपने आप को परिवर्तित कर लेता है। यही कारण है कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनके दिमाग और उनके फ्लूइड जो होते हैं वह हमसे थोड़े अलग हो सकते हैं क्योंकि वो अपनी जगह पर नहीं होते हैं। और पृथ्वी पर वापस लौटने के कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों तक ये चीज़ें बिल्कुल वैसी ही रहती हैं। ये एक जल्दी से सही होने वाले परिवर्तन भी नहीं है। इसी स्टडी में ये भी पाया गया कि हमारे दिमाग में पाए जाने वाले ग्रे मैटर और वाइट मैटर की जो अमाउंट है उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो वाइट मैटर होते हैं वह हमारे दिमाग में और हमारे बॉडी में कम्युनिकेशन के लिए बहुत मददगारी साबित होते हैं लेकिन इनकी जो मात्रा है वो एस्ट्रोनॉट में काफ़ी बढ़ी हुई दिखाई देती है जो कि पृथ्वी पर रहने वाले किसी भी इंसान से बिल्कुल अलग हो सकती है। और अगर दिमाग के बनावट की बात करें तो उन्होंने पाया कि दिमाग की जो बनावट होती है उसमें भी काफ़ी बदलाव देखने को मिले हैं। यानी कि जो कॉर्पस कोलाइसम होता है यानी कि बंडल ऑफ नर्व्स जो कि हमारे दिमाग के कनेक्टिविटी को बढ़ाता है उसमें भी काफ़ी बदलाव देखने को मिले हैं। यही कारण है कि जब एक अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यात्रा पर जाता है तो उसकी बॉडी पर जीरो ग्रेविटी यानी कि वेट बिल्कुल भार न महसूस होने की स्थिति में भी काफ़ी चेंजेस उसकी बॉडी पर दिखाई देते हैं लेकिन उससे ज़्यादा परिवर्तन उसके दिमागी हालत पर भी दिखाई देते हैं। और पृथ्वी पर लौटने के बाद भी कुछ महीने तक इस तरह के परिवर्तन बिल्कुल बने रहते हैं। काफ़ी समय के बाद हो सकता है कि इनमें परिवर्तन दोबारा आ जाए लेकिन शुरुआत में इनको इस सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब आप समझ गए होंगे कि अंतरिक्ष यात्रा देखने और सुनने में जितना अच्छा लगता है उतना है नहीं क्योंकि अंतरिक्ष यात्रियों को अपना मेंटल और फिजिकल फिटनेस पहले और बाद में भी बनाए रखना होता है क्योंकि अंतरिक्ष यात्रा के दौरान उनको जो कठिनाइयां सामना करने को मिलती हैं उसका असर उनको बाद में भी भुगतना पड़ता है जिसके लिए अंतरिक्ष यात्रियों को हमेशा तैयार होना पड़ता है।